टिकट्स। तो गाइस ये है टिकट्स एंड बंदा एक्साइटेड है हमारा बहुत ज्यादा, बहुत ही ज्यादा। सब लोग पहुंच चुके हैं, ऑन द वे हैं पहुंचने वाले। हम भी ऑन द वे, हमने कैब बुक करी हुई है बिकॉज़ वहां पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है। राइट, हां, पार्किंग वार्किंग नहीं होती तो इसलिए कैब या मेट्रो से बेस्ट होता है। मैंने ऐसे कैब पहनी हुई बिकॉज़ बहुत गर्मी है एंड ऐसे फैंटा वाली टी-शर्ट हम जब नहीं पहना हुआ। गेम ओवर भाई साहब, इतना जाम है ना, इतना ट्रैफिक है इस मैच के लिए कि लिटरली हमें 1 किलोमीटर पैदल। ये मैच के लिए नहीं है, धोनी का क्रेज है, धोनी फैंस के लिए। सच में यार, हम 1 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं और वहाँ भी रोड जाम है हर जगह। एंड हम अकेले नहीं है भाई, हमारे फ्रेंड्स भी हमारे साथ आ रहे हैं एंड वो लिटरली मेट्रो स्टेशन में फंसे पड़े हुए हैं, एग्जिट गेट पे फंसे हुए हैं। एग्जिट ही नहीं है, इतनी लाइन लगी हुई है। सॉरी, ओ गॉड। और वो एक के ऊपर एक दबे पड़े। यहाँ पे मिल रही है टी शर्ट, चेन्नई टी शर्ट। दिल्ली में है हम, लेकिन हम चेन्नई धोनी को सपोर्ट कर रहे हैं। और अब टी शर्ट सभी हमने ली नहीं है, थोड़ी देर में लेते हैं। अंशुम यहाँ पे ले रहा है टी शर्ट एंड अंशुम अरुण के लिए ले रहा है और अपने लिए ले रहा है। मैं तो नहीं ले रही टी शर्ट एंड भीड़ देख लो भाई, लोग लिटरली पागल हो चुके हैं। टॉस स्टार्ट होने वाला है एंड एवरीबॉडी इज गोइंग क्रेजी। टी शर्ट कितने में? 450 में, 300 रुपए, 150 रुपए मिल चुकी है टी शर्ट। अंशुम अब ट्राई करेगा। इससे भी बड़ा सही रहता है क्या? ये नहीं आया तो लग तो सही रही है भाई, फिटेड बंदे की बॉडी देख लो भाई। बताओ जरा कमेंट सेक्शन में बंदे की बॉडी कैसी है भाई। हेलो, गेट नंबर 17 जहाँ से मैं जाना है अंदर, और यहाँ ऐसी कोई भीड़ लगी हुई है। तो मोस्टली हर जगह है येलो कलर आपको दिखेगा बिकॉज ऑफ धोनी। तो यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं धोनी के लिए आए भाई, मुझे तो लग रहा है पूरी पब्लिक मैक्सिमम धोनी के लिए आई हुई है। दिल्ली को इतने लोग सपोर्ट नहीं कर रहे, बस ये जो फ्री टी शर्ट दे रहे हैं होम टीम के लिए वो लोग पहन रहे हैं। बाकी देखो मेरे भाई ने भी धोनी पहनी है। आ गए हैं दोनों, यहाँ पे टिकट चेक हो रही है, उसके बाद जा रहे हैं हम लोग अपने वेस्ट स्टैंड पे। बड़ी मुश्किल से टिकट्स मिली है भाई। तो यहाँ पे खाने पीने के ऑप्शन है बहुत सारे, ये देखो देखो। भीड़ी भीड़ भीड़ी भीड़ भीड़ी भीड़। तो हम लोग जा रहे हैं फटाफट ऊपर, भागते रहे भागते। ओए होए, मजा आ गया। हालत खराब। अबे यहाँ से भी सही दिख रहा है वैसे तो। तो इतनी भीड़ आप देख सकते हो, और ये सामने है तो कोई बंदी बेहोश हो गई है बेचारी धूप की वजह से, गर्मी की वजह से। और हमारी सीट है यहाँ पे। सो ऐसा कुछ स्टेडियम का व्यू है। अभी टॉस हुआ है और ये इसके बैटिंग कर रहा है, दिल्ली की बॉलिंग है, और यहाँ पे सब बैठे हैं। और यहाँ से भी व्यू सही दिख रहा है वैसे तो, बट वो है कि थोड़े छोटे छोटे दिख रहे हैं। लास्ट टाइम जो मैं पंजाब वाले मैच में आया था तो हम यहाँ बैठे थे यहाँ पे कहीं अरुण और मैं। आज हमें ये वाली टिकट मिली हुई बहुत मुश्किल से, सब सोल्ड आउट था। तो यहाँ पे सीएसके के बैट्समैन आ गए ओपनिंग करने के लिए, और वहाँ से अंपायर आ रहे हैं, और यहाँ से दिल्ली की टीम आ गई है इसी के साथ। हल्ला मच गया काफी। सीएसके भाई बहुत इलेक्ट्रिफाइंग है एटमॉस्फेयर यहाँ पे, मजा आ रहा है। मतलब इतनी धूप हो रही है फिर भी तो अभी हो गया है टाइम आउट, और यहाँ पे इनकी स्ट्रैटेजीज बन रही है, यहाँ पे इनकी बन रही है। स्कोर हो गया है सीएसके 52-0
हमारे आगे वाले को अंदर घुस गया था, जो जब सिक्योरिटी चेक पे रोका था उनको साइड कर दिया था, तो बच्चों के भी टिकट लेके आया था। एंड सब लोग इतने ओवर एक्साइटेड हो रहे हैं ना, हमारे फ्रेंड्स भी सारे। और 12 ओवर में हो गए 117 रन, भाई जीतेगी भाई जीतेगी सीएसके। सो 12.5 ओवर हो गया, सीएसके का स्कोर है 119/0, मतलब एक भी विकेट नहीं गिरी है। और गायकवाड बहुत सही खेलने लगता है, उसके 100 हो जाएंगे और कॉनवे के भी ऑलमोस्ट 50 होने वाले हैं। बाकी दिल्ली की हालत थोड़ी खराब लग रही है और लग रहा है कि धोनी की बैटिंग नहीं देख पाएंगे, ऐसे ही चलता रहा क्योंकि विकेट्स तो गिर नहीं रहे, तो हमें धोनी की देखनी पड़ेगी फील्डिंग। कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, अमेजिंग। गर्मी में हालत तो खराब हो ही रही है, लेकिन जो भी मजा आ रहा है। तो एंजॉय करते हैं और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। तो टाइम आउट हो चुका है 2.5 मिनट का और इस टाइम पे बन रही है स्ट्रैटेजी दोनों टीम। तो फाइनली एक विकेट गिर गई है 141 रन से, ऋतुराज गायकवाड़ आउट हो गया। अब आया है शिवम दुबे, ये रहा, और ये कौन पे खेल रहा है 60 रन पे। तो ये आ रही है बॉल, चौका मार दिया। सामने कैमरा मैन है इसलिए सब लोग खड़े हो गए कि हम लोग आ जाएंगे स्क्रीन पे, बट कोई आ नहीं रहा। डगआउट पे धोनी आया है, वो हल्ला मच गया भाई। 3 हो जाएगा और 179/1 सीएसके का। तो धोनी का पता नहीं आने का चांस तो है नहीं बैटिंग में, लेट्स सी। अगर 4-5 विकेट गिर गई एक साथ तो आ जाएगा। और यहां पे चल रहे चिप्स। तो अब मिल चुका है फ्री हिट एंड लेट्स सी अब क्या होता है। फ्री हिट में कोई ऐसा आउट नहीं होता, ना बोल्ड ना कैच आउट, ओनली स्टंप एंड आउट। धोनी आ चुका है और अब धोनी की बारी। ओह माय गॉड, असली यार किसे कहते हैं भाई, असली धोनी फैन ये है। तो ये रहा धोनी, अभी अभी विकेट गिरी है तो आई थिंक चट्टू आने वाला है। और धोनी का क्रेज देख लो भाई, ये है धोनी का क्रेज। दिल्ली में सिर्फ धोनी फीवर चल रहा है और चट्टू आ गया धोनी के साथ। तो अब बचे हैं, स्कोर है ये सीएसके का 195/3 18.2 ओवर्स में, और दोनों नए बैट्समैन हैं भाई। धोनी को देख लिया भाई, बहुत मजा आ गया। और ये ऑनरिक नोकिया बॉलिंग कर रहा है, बहुत सही कर आता है भाई ये फास्ट बॉलिंग। सिंगल, थोड़ी साइड पे आ गया। धोनी
जान रहेगा भाई तेरा नाम रहेगा। राइट में है धोनी, चल रही है स्ट्रैटेजी। भाई ये जड्डू पता नहीं क्या कर रहा है, सब लोग कह रहे हैं सिंगल ले, बड़े सिंगल नहीं ले रहा है, दो चौके मार चुका है और लास्ट ओवर चल रहा है। अब बची हैं तीन बॉलें बची है और धोनी को सिर्फ दो बॉल्स मिल गई अभी तक। धोनी बेचारा नॉन स्ट्राइकर है, एंड पे खड़ा हुआ है, लेट्स सी अब क्या होता है इस बॉल पे। सब लोग धोनी का वेट कर रहे हैं भाई, धोनी बैटिंग करने आया है, धोनी जितनी ज्यादा बॉल्स खेल सके खेले, बट जड्डू स्ट्राइक नहीं दे रहा। ऐसा लग रहा है कि चेन्नई में मैच हो रहा है। लास्ट बॉल है इनिंग्स की, फाइनली इनिंग्स खत्म, 218 विकेट। फ्री हिट छक्का पन्ना ही चाहिए भाई इसमें तो। सिंगल हुआ लास्ट बॉल 223 से 3। Little longer than a few minutes later. So finally match ki second inning start ho gayi hai. Delhi ka score hai 5-0 in 5 balls. Warner batting pe hai aur Prithvi Shaw hai on strike. Ek over ho gaya hai aur Delhi ka score hai 5-0. Dhoni ka ho gaya. So finally 2 over ho chuke hain aur 7-1 hai. Prithvi Shaw out ho gaya. अब मिच मार्श ये रहा नॉन स्ट्राइकर इन पे और डेविड वार्नर बैटिंग पे, दीपक चहर बॉलिंग करा रहा है। दो विकेट गिर गए दिल्ली की, इसी के साथ विल सॉल्व भी गया। डीसी का स्कोर है 4 ओवर में 26 पे, 2 विकेट। सीएसके देखो भाई, सीएसके के फैंस तीन विकेट दिल्ली के 4.4 ओवर में 26 रन पे गिर चुके हैं। पहला पावर प्ले खत्म हो गया है और 6 ओवर में दिल्ली का स्कोर है 34-3। अब चट्टू बॉलिंग कराने आया है। तो फिर से टाइम आउट हो गया, 163 रन चाहिए, 66 बॉल तक मुश्किल ही लग रहा है दिल्ली का जीतना, और ऐसा कुछ नजारा यहाँ पर। वार्नर ने मार दिया चौका, 47 हो गया वार्नर के तक। वार्नर की 50 हो गई है। एक और विकेट गिर गई दिल्ली की, यस धुल गया 75 पे 4 आफ्टर 10.5 ओवर। वार्नर बेचारा अकेला रह गया है। अक्षर पटेल आ गया फाइनली बैटिंग करने। धोनी को हेलो बोल दो तब। हम आगे ग्राउंड शॉट पर, ये डग आउट है ये वाला सीएसके का भाई, यहाँ से बहुत सही व्यू आ रहा है। जट्टू आ रहा है, जट्टू
एक और विकेट गिर गई दिल्ली की। अब स्कोर है 109/5 13.3 ओवर में। अक्षर पटेल गया वार्नर, खेतर 71। सो यहाँ पे हैं सारे कॉर्पोरेट बॉक्सेस, इसके नीचे ये ग्राउंड फ्लोर वाली सीटिंग है और हम हैं ऊपर थर्ड फ्लोर पे। ये हॉस्पिटैलिटी एरिया है जहाँ पे खाना पीना सब कुछ मिलता है। सो जिन्होंने हॉस्पिटैलिटी इंक्लूडेड टिकट्स खरीदी होती है जो कि महंगी होती है, वो यहाँ पे आके खाना वाना खा सकते हैं। और कुछ लोग जाने भी लग गए बिकॉज मैच ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है और CSK ही जीत रहा है अभी तक। बाकी बाहर ऐसा कुछ हाल है और हम जा रहे हैं ऊपर। एक्चुअली हमें खरीदनी नीचे की टिकट थी बट मिली नहीं क्योंकि बहुत जल्दी सोल्ड आउट हो गई। पतंग गिर गई। अभी स्कोर चल रहा है पता नहीं क्या। सो अब बहुत बुरी हालत चल रही है DC की। 80 रन चाहिए 10 बॉलों में जो कि इम्पॉसिबल है। आउट हो गया। वार्नर फाइनली आउट हो गया बेचारा, बट बहुत अच्छी इनिंग्स खेली इसने यार। 70-80 रन तो बना दिए इसने अकेले। बुरी तरह हारेगी दिल्ली, देखो 80 रन 9 बॉल्स पे। एक और विकेट गिर गया। लास्ट विकेट रह गया, नहीं 146 पे 8 विकेट हो गए। अब पता नहीं कौन आया और 3 बॉलें रह गई लास्ट ओवर। भाई तीक्ष्णा ने 2 बॉल पे 2 विकेट ले ली। एक और आउट हो गया 146 पे, अब 9 हो गए। लास्ट मैच में दिल्ली का रह गई है 2 बॉलें बस। हैट्रिक बॉल है। हैट्रिक बॉल। DRS ले लिया हैट्रिक बॉल के लिए धोनी ने। अब देखते हैं कि आउट है या नहीं। और सब लोगों ने जला लिए फ्लैश लाइट। पिचिंग आउट है तो हैट्रिक नहीं हो पाई। लेकिन नेक्स्ट बॉल पे आउट हो गया। और इसी के साथ चेन्नई जीत गई है मैच आज का और चेन्नई चली गई है, क्वालिफाई हो गई है प्लेऑफ्स के लिए। CSK दिल्ली ने ले लिया था। DRS तो नॉट आउट था लास्ट बॉल पे, आउट नहीं था। सो 146/9 दिल्ली का फाइनल स्कोर आ गया 20 ओवर। भाई धोनी जा रहा है प्रेजेंटेशन के लिए और साथ में जा रहे हैं उसके बाउंसर सिक्योरिटी के लिए। भाई साहब तो प्रेजेंटेशन स्टार्ट हो गई है, ये चल रही है प्रेजेंटेशन यहाँ। और ये है चड्डू फोन पे बात करता होगा और धोनी भी यहीं कहीं पे है। डेविन कौन में ले जा रहा है भाई सारे अवार्ड। जड्डू इंपॉर्टेंट कॉल में भाई, बहुत से फोन पे ही है बेचारा। ये अवार्ड मिल रहा है, ये रहा संजय मांजरे का जो प्रेजेंटेशन सेरेमनी होस्ट कर रहा है। ये सारे प्लेयर्स अब अपने आपस में बातें वातें कर रहे हैं डेली चेन्नई के। धोनी आ गया। अल्लाह सुनो। भाई ये वो है धोनी वाला फैन जो TV पे हमें दिखता है। और आप देख लो भाई मैच खत्म हो गया बट CSK के फैंस देखो और दिल्ली के देखो अभी भी पूरा येल्लो। यहाँ भी देखो सिर्फ येल्लो। अरे धोनी का क्रेज। धोनी। I love you.
सो ये पवेलियन है, ये है सीएसके का और ये है दिल्ली का। ये लोग बैठे हुए हैं, ये मैच खत्म होने के बाद ये चिल कर रहे हैं। धोनी के फैन देखो भाई, सिर्फ धोनी धोनी है हर जगह। मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ, कोई अगर ठुक उक गया, कोई गाड़ी के नीचे आ गया तो पता लग जाएगा किसकी गलती है। हमारे साथ एक बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस हो रहा है। तो मैं बैठी हूँ अंशु के ऊपर, अरुण नगर के पीछे, और पीछे दो लड़कियां हैं। रिक्शा पलटेगा पक्का। ओह माय गॉड, तो ये है चांदनी चौक थी, सॉरी कौन सी गली में, अरुण जेटली के बाहर। ये है हमारा हाल। A few minutes later. Okay, so हो गया है मैच खत्म और हम लोग आ गए हैं जामा मस्जिद की गलियों में कुछ खाने पीने। काफी मजा आया, डीसी हार गई, हम सीएसके को सपोर्ट कर रहे थे तो सीएसके जीत गई फाइनली और बहुत मजा आ गया। बाकी अब हम खाएंगे कुछ अच्छे अच्छे पकवान, कबाब वबाब और सारी चीजें। सो बस यही रहता है ये ब्लॉग और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन सी यू एंड बाय बाय। एंड क्या करना है, चैनल सब्सक्राइब, गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन सी यू एंड बाय बाय।